चाय पी रहे हैं टी बैग डाल के, दद्दू भी खा रहे, दद्दू शर्मा रहे। तो गाइस नाश्ता हुआ है जस्ट, और अभी हम लोग हैं डोंगरगढ़ के पास। देखो कैसे दुर्गेश, कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भाई, बस पापा जी का दर्शन हो जाए एक बार। और दुर्गेश के पापा अंकल आराम से नीचे देख के। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका एक नए ब्लॉग में। तो मैं जा रहा हूँ आज केदारनाथ की ट्रिप में। तो मैं, आंसू, दुर्गेश और दद्दू, और दुर्गेश की फैमिली भी जा रही है। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी, और मैं रख लिया अपना ट्रैकिंग बैग जो मंगवाया था अमेजोन से, और एक और रखा हूँ स्कूल बैग, देख लो। तो अभी जाता हूँ मैं स्टेशन, क्योंकि दुर्गेश की फैमिली आ गई है। आंसू को उठाते हैं, पास में रहता है आंसू, आंसू को उठाते हैं और निकलते हैं सीधा स्टेशन। गाइस आंसू का बैग देख लो, आंसू को उठा लिया अपन, चेहरा दिखा दे आंसू चश्मे से, देख लो मेरे को देखो और इसको देखो। स्कूल बैग को अंदर रख दिया है और स्टेशन पहुंच गए, देखते बाकी लोग कहाँ हैं। तो गाइस ट्रेन आ गई है और सब रेडी। दद्दू चाय के लिए देख लो, डालने के बाद देखो इसका कलर बहुत प्यारा। गाइस नाश्ता हुआ है जस्ट, और अभी हम लोग हैं डोंगरगढ़ के पास। देखो ऊपर मंदिर दिख रहा है अभी, रात का खाना आ गया देख लो, चावल, पनीर, दाल, रोटी और मदर डेयरी का दही है। भाई लोग अब यहीं बैठे हैं, इनका सीट उस पार है और यहाँ पे कोई और बैठे हैं। तो गाइस बिस्तर लग गया, चद्दर, बैग को वहाँ रख दिया, ईयरफोन लगाते हैं और मूवी देखते हैं। अब खाना खा लिया और अभी ट्रेन रुकी नागपुर में। यासू, दुर्गेश, देखते हैं अभी तो इंजन चेंज होगा। और देख लो दद्दू को घर में बात कर रहे हैं। सुबह हो गई है, 6:30 हो गया और ये मेरा हालत, बस चाय नाश्ता है। अब नाश्ता ख़त्म हो गया है, चाय पी रहे हैं टी बैग डाल के, दद्दू भी खा रहे, दद्दू शर्मा रहे। तो गाइस दिल्ली उतर गए हैं, ये दुर्गेश की मम्मी पापा और ये अपनी ट्रेन। अब अपने को चढ़ना है इतने भीड़ से ऊपर। गाइस अपन दिल्ली पहुंच गए हैं। कैसे दुर्गेश, कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भाई, बस पापा जी का दर्शन हो जाए एक बार। और दुर्गेश के पापा अंकल आराम से नीचे देख के। दिल्ली स्टेशन से निकल गए अपन, और देखो यहाँ क्या लिखा है, बारशाला। अपन जा रहे हैं बिल्डिंग की तरफ। तो गाइस अपन KFC आए हैं, मैं और बाकी अपन चारों भाई। तो गाइस KFC से आने के बाद अपन ट्रेन में बैठ गए हैं जनशताब्दी। तो अभी अपन निकलेंगे 3 बजे और पहुँचेंगे 9 बजे रात को। कहाँ पहुँचेंगे? देहरादून पहुँचेंगे दुर्गेश के दीदी के यहाँ। तो मिलते हैं पहुँचने के बाद। गाइस अपन दिल्ली से निकल रहे हैं देहरादून के लिए, तो 9-10 बजे पहुँचेंगे दुर्गेश के दीदी के यहाँ। वहाँ रुकेंगे, वहाँ खाना खाएंगे और अगले दिन निकलेंगे अपन हरिद्वार के लिए। तो देखते हैं दीदी का घर कितना लंबा पड़ेगा अपने को, 304 किलोमीटर है, देखते हैं। गाइस स्टेशन से निकल गए अपन देहरादून से, और सब बैठे हैं, बैग ऐसे रख लिए। क्या सुबह है?